बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हुकूमत के एहसास का खवालत प्रोग्राम के तहत लाए फैसलाबाद में ख़वातीन को माली इमदाद की फरहमी के लिए एक मज़ीद सेंटर कायम किया जा रहा है, जबकि डिवीज़न में पहले से कायम सेंटर्स पर जुशन इमदाद की तकसीम के लिए काउंटर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, ताकि सेंटर पर माली इमदाद के लिए आई हुई ख़वातीन को तेज़ रफ्तार सर्विस फराहम की जा सके। ये बात डिवीजनल कमिश्नर जहाद हुसैन ने एक आला सतह अजलास के दौरान बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एचपीएल की इंतजामिया से आला सतह मीटिंग के दौरान बताई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, सीपीओ गुलाम मुबशर मैकेन, एमपीए फरदोस राय, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारक महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसफ, कैसर जवेद, सीईओ हेल्थ एजुकेशन डॉक्टर बिलाल अहमद, अली अहमद सयान, डिवीजनल रजिस्टर सपोर्ट ऑफिसर हमाद इकबाल, साजिदा लतीफ़, डिवीजनल डायरेक्टर बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद फयाज, इजलास के डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद।